तीन तरल ए बी तथा सी समान आयतन में है, जिसे 5:3:2 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। प्रथम बार मिश्रण का 50% निकालकर तरल ए मिलाया गया, पुनः मिश्रण का 60% तरल बी के द्वारा हटाया गया, अंत में वर्तमान सी की मात्रा का दुगना मिश्रण में मिलाया गया, तो वर्तमान में सी का परसेंटेज मिश्रण में क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनी स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन एंड रेशियो का कुछ प्रॉब्लम जो कि आपके लिए ट्रिकी और पेचीदा हो सकता है, ठीक है। उसको अपन यहां पे सिंपल वे में पढ़ेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से कैसे चीज़ों को आसानी से ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि चीज़ें आपके क्वेश्चन में ही छिपी रहती है, बस आपको ऑब्जर्व करना होता है कि इसमें किस तरीके से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तीन तरल ए बी तथा सी समान आयतन में है, जिसे 5:3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। कितना रेशियो के अनुपात में मिलाया जाता है? ए बी सी है, ठीक है, इसको 5:3:2 के रेशियो में मिलाया जाता है, ठीक है। मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। प्रथम बार मिश्रण से 50% निकालकर तरल ए मिलाया गया, पुनः मिश्रण से 60% तरल बी के द्वारा हटाया गया। यानी कि प्रथम बार क्या हुआ कि जो ये मिश्रण था टोटल, उससे 50% निकाल दिया, और 50% निकालने के बाद क्या डाल दिया, जितना निकाला उतना लिक्विड ए डाल दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें तो ये दिया है 50% और ये 60%, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख के आपके दिमाग में हलचल होनी चाहिए कि 50% दिया है, यानी कि इसमें से हम 50% निकालें तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा निकालते वक्त। आपको इसको फैंसी आइटम में कन्वर्ट करनी होती है। फैंसी आइटम बोले तो कि जिससे हम 50% डिडक्ट करें यानी निकालें, तो हमारा चीज़ जो रहे वो फैंसी में ही रहे, यानी कि वो फ्रैक्शन में ना आ जाए, ठीक है, पॉइंट में ना आ जाए। इस तरीके से हमको ये चीज़ें इस तरीके से कन्वर्ट करनी है कि वो फैंसी आइटम में ही रह जाए। तो 50% निकाला है, तो अगर हम इसको, ठीक है, टोटल को 100 कर लें, ये जो अभी कितना है 10 है, ठीक है। अगर टोटल को हम 100 कर लेंगे तो हमको 50% निकालने में आसानी होगी, ठीक है। टोटल को अगर हम 100 कर लेंगे, अगर ये 10 ही रहेगा, टोटल क्या है 10 ही है, तो 10 का 50% 5, उसके बाद इसमें से कितना निकला, ठीक है, उसको अगर करेंगे तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों के साथ ऐसा व्यवहार करनी है कि ताकि हमको वो दिक्कत ना करे, यानी फ्रैक्शन में, या आप कह सकते हैं पॉइंट में ना आ जाए, ठीक है। तो हम इसको टोटल को हम 100 कर लें, ठीक है। तो 100 कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये 5:3:2 के रेशियो में है, यानी कि अगर हम टोटल को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है टोटल 10 है टोटल, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 50, 30 और ये 20 हो गया, ठीक है। लिक्विड ए बी सी पहले कितना था इतना है, यानी कि अब टोटल कितना है, ये है 100, ठीक है, 100 टोटल क्वांटिटी, उसमें से 50 निकाल दिया, यानी कि इसमें से 50 निकाल दिया, यानी कि अगर इसमें से 50 निकल जाएगा, यानी कि 50% निकल गया, यानी कि इसमें से 50 निकल गया, ठीक है। तो इसमें से 50% निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तीनों इंडिविजुअल में से 50-50% निकलेगा, ठीक है। तो ये अगर 50 था, 50 लीटर सपोज, ठीक है, तो इसमें से अगर 50% निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 50% निकल जाएगा तो 50 × 50/100, ठीक है, बचा कितना 50% बचा, ठीक है, और ये कितना बचा, ये भी 50% बचा, यानी कि 30 × 50/100 और ये 20 × 50/100, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं, 50% क्या होता है 1/2, यानी कि 50% बचा होगा, यानी कि ये कितना बचा, ये हो गया 25 लीटर बचा होगा, और ये 15 लीटर, और ये कितना बचा होगा, ये 10 लीटर बचा होगा, ठीक है, इतना बचा। उसके बाद क्या कहा गया कि तरल ए मिलाया गया 50% निकाल के, यानी कि अब कितना बचा मिश्रण में, 50 लीटर टोटल मिश्रण अब बच गया, पहले कितना था 100 लीटर था, अब 50 लीटर बच गया। अब क्या कहा कि जितना हम निकालें, कितना निकालें 50 लीटर, तो 50 लीटर क्या मिला दिया, ए मिला दिया, यानी कि अब क्या हो गया मिलाने के बाद, दूसरे ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या है 50 लीटर ए आ गया, यानी कि ए के सामने यहाँ पे 50 लीटर जोड़ देंगे तो ये सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, ये 75 लीटर हो गया, और ये 15 लीटर ही है, और ये 10 लीटर ही है, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब क्या है कि यहाँ पर ये 75 लीटर है, ठीक है, और ये 15 लीटर है, और ये 10 लीटर है, ए बी सी, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद क्या कह रहा कि 60% तरल बी द्वारा हटा दिया गया, यानी कि बी बी रिप्लेस कर दिया पूरे मिश्रण का 60% अपने प्योर बी से, ठीक है, ठीक है। तो अब 60% इसमें से
चला जाएगा, यानी कि अभी भी कितना है इसमें 100 लीटर है, ठीक है 100 लीटर है, 75 15 कितना हो गया 90, 90 10 100, यानी कि अभी भी 100 है, उसमें से 60 लीटर निकल गया, यानी कि बचा कितना 60% निकल गया, यानी कि बचा कितना 40% बचा होगा, ठीक है। तो इसका 40% बचेगा, इसका भी 40% बचेगा, इसका भी 40% बचेगा, क्योंकि हर का सभी का 60% निकल रहा है, तो इसका 40% बचेगा तो क्या होगा 65 × 40/100, इसका 40% बचा क्योंकि 60% निकल गया, इसका भी क्या बचेगा 15 × 40/100 और ये 10 × 40/100, सभी का 40% बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 5 4 लीटर, ठीक है। ये निकालने के बाद कितना हो गया, ये निकालने के बाद कितना हो गया 36 40, यानी कि 40 लीटर बचा, यानी कि 60% निकल गया, 100 था उसके बाद 60% निकाल दिए, यानी कि 40 बचा, उसमें ए कितना है 30 लीटर है, बी कितना है 6 लीटर है और सी कितना है 4 लीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि जो हम निकाले 60% उतना क्या डाल दिए बी डाल दिए, यानी कि जो 60 लीटर हम निकालें तो 60 लीटर निकालें तो इसमें से 60 बी ऐड हो गया, ठीक है। तो टोटल 100 हो गया, यानी कि अब क्या होगा 30 66 और ये 4, ठीक है। कितना हो गया, ये 70 हो गया और ये 30 क्या हो गया 100 हो गया। अब क्या कह रहा है, अंत में वर्तमान सी की मात्रा का दुगना मिश्रण में मिलाया जाता है। अंत में ये अंत आ गया, अंत में सी की मात्रा क्या है 4 है, ठीक है। उसका दुगना अब मिलाया जाता है, क्या है इसका दुगना मिलाया जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, ये 66 ही होगा और ये इसमें से दुगना मिलाया जाता है, यानी कि पहले 4 था और 8 मिला दिया, यानी कि ये 12 हो गया, ठीक है ये 12 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वर्तमान में सी का परसेंटेज मिश्रण में क्या होगा। तो सी ये है, ठीक है, और टोटल ये है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 100 था, यहाँ तक टोटल 100 था और 8 बाहर से आ गया, यानी कि 108 टोटल लीटर हो गया परसेंटेज। अब पूछ रहा है कि लास्ट में फाइनली क्या होगा, तो सी का वैल्यू कितना है 12 है, ठीक है, वैल्यू कितना है 12 है, ठीक है। टोटल कितना है 108 है, ठीक है 108 है। परसेंटेज पूछ रहा है 100 कर देंगे, ठीक है। ये कितने मतलब कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 9, 12 का टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 9 मतलब है यानी कि अपॉन 9, यानी कि 1.11%, ठीक है। इतना परसेंट सी का परसेंटेज होगा फाइनल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, एक एक स्टेप करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या कहा वो करेंगे, ठीक है। हमको 50% 60% देखते के साथ हमको समझ में आ रही थी कि 100 अगर कन्वर्ट कर ले तो चीज़ें आसान हो गए, तो हम सभी को ऐड कर दिए तो 100 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर दिए कि रेशियो को हम एक फैंसी आइटम में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद क्या किए कि एक एक स्टेप 50% निकाल दिए तो सभी का क्वांटिटी कितना हो गया। उसके बाद फिर हम एक की मात्रा ऐड कर दिए जो निकालें, उसके बदले हम ए डाल दिए तो फिर से कितना हो गया। उसके बाद फिर है जो 100 आ गया उसमें से फिर 60% निकाल दिए तो सभी में से 60% निकलेगा सभी, तो ये फाइनल कितना आ गया इतना आ गया, यानी कि 40 लीटर बच गया। अब क्या है कि जो निकाले उसमें बी डाल दिए तो बी 60 डाल मिल जाएगा, तो अब फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल 30 66 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि इसका डबल हम ऐड कर दिए, सी का डबल हम ऐड कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और जो फाइनल मिक्सचर हो जाएगा जो 100 लीटर लेके चले थे उसमें 8 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में फिर से एक नए ट्रिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए।